अरे वीडियो शुरू करें। करो नहीं। तो हम आज सिंपल पाइथन प्रैक्टिस करेंगे ऑपरेटर के बारे में, बहुत कम समय में, ठीक है? ओके। ऑपरेटर क्या है? स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऑपरेटर कुछ सिंबल होता है जो किसी तरह का कंप्यूटेशन करता है, ठीक है? जिसका हम कंप्यूटेशन या ऑपरेशन करते हैं, जैसे प्लस माइनस डिवाइड या जो भी कुछ, उसे ऑपरेंड करते हैं, ठीक है? वेरिएबल को हम ऑपरेंड कर सकते हैं, ठीक है? ऑपरेटर चार तरह के होते हैं, समझ में आया नहीं? यहाँ लिखा हुआ है। अरे हाँ भाई हाँ। तब तो ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर भी उसे कहते हैं, या लॉजिकल ऑपरेटर। अब इसके बारे में समझते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू असाइन करता है किसी वेरिएबल को। समझ रहे हो ना? अर्थमेटिक ऑपरेटर दो वैल्यू के साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है, जैसे कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। और रिलेशनल ऑपरेटर किसी से रिलेशन बताता है, किसी वेरिएबल के बीच, दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन बताता है, कंपेयर करता है उसको। तब जैसे 2 > 1, 3 = 3 एटसेट्रा। लॉजिकल ऑपरेटर प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है, ये कंडीशन बताता है। मैं बहुत थक गया हूँ इसलिए। एग्जांपल तुरंत देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर का एग्जांपल देखेंगे। जैसे यहाँ पर हम प्रिंट लिखेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम लोग कोई भी टाइप का अर्थमेटिक सिंबल डालेंगे, जैसे 2, फिर उसके बाद हम लोग इसमें प्लस डालेंगे, 3, फिर उसके बाद इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर 5 आपको डिस्प्ले कर रहा होगा, आप साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है? तो अब मैं वापस यहाँ पे से चलता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको और भी अलग अलग तरह के तुरंत से करके दिखाता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेशंस। जैसे यहाँ पर मैं 5, फिर मल्टीप्लाई का साइन एस्ट्रिक से और फिर 4, फिर यहाँ आंसर देखते हैं। यहाँ 5 तो 2 + 3 का आंसर है और 25 4। तो अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर का देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में बस ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे 2 फिर = 3 ऐसे कर देने पे ऐसे तो नहीं होता है। अच्छा सॉरी हाँ याद है, बच्चा सही बोलता है। यहाँ पे वेरिएबल होना चाहिए कोई, तो ऐसे वेरिएबल फिर उसके बाद = 4 अगर हम डालते हैं तब ये ले लेगा। देखते हैं लेता है कि हाँ ले लिया। आप देख सकते हैं खाली स्पेस छोड़ा हुआ है, दरअसल वो उसी का है, ले लिया ये बता रहा है। अब इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं। आपको पता है पिछली वीडियो में मैंने बताया था, और अगर आपने इसे नहीं देखा है तो यहाँ पर आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और मैं एंड में भी वीडियो के बारे में को दे दूँगा। तो यहाँ पर मैं प्रिंट ए लिख लिया हूँ, अब इसे प्रिंट करते हैं, 4 लिख देता है क्योंकि ए में 4 है। उसके बाद हम लोग जल्दी से देखते हैं अगला। अब अगला है लॉजिकल ऑपरेटर्स। एक मिनट, रिलेशनल ऑपरेटर तो छूट गया, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, जैसे ये हमेशा ट्रू फॉल्स के बेसिस पे ही आपको बताएगा, ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। बस यहाँ पे प्रिंट डालता हूँ, उसके ब्रैकेट में इसे कर लेते हैं, और अब देखते हैं इसका रिजल्ट। ये है फॉल्स, बिल्कुल करेक्ट जाता है, सीधे सीधे नहीं लिखा जाता है इसको, इसको ब्रैकेट में प्रिंट और ब्रैकेट में डालकर लिखा जाता है, डायरेक्ट नहीं। अब उसके बाद हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर में की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। एक बार रिलेशनल ऑपरेटर का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे प्रिंट क्या लिखें, 5, फिर उसके बाद ये है > का साइन। अब देखते हैं कि क्या सही है कि गलत। ये फॉल्स है क्योंकि 5 = 5 है, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, = नहीं है, तो ये फॉल्स ही है ना? नहीं है भाई, है ना? तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप स्क्रीन पे उसका चार्ट देख सकते हैं, मैं आपको दे देता हूँ अलग अलग तरह का। रिलेशनल, कंपैरिजन ऑपरेटर ये सब है, लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एंड होता है, नॉट होता है, और इसके बाद और होता है। तो यहाँ पर हम दोनों का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर और है, नॉट है। तो और का प्रयोग किया जाता है जब भी
ट्रू और फॉल्स के बेसिस पर अगर कोई भी एक वैल्यू दिया गया है जो यूजर द्वारा, अगर वो ट्रू है और दूसरा वैल्यू दिया गया फॉल्स है, कोई दिक्कत नहीं, वो ट्रू ही उसको लेता है, ठीक है। और अगर दोनों फॉल्स होगा तभी फॉल्स लेगा। और यहाँ पर नॉट, नॉट जो होता है वैल्यू को उल्टा कर देता है, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि फोर, ठीक है, सबको हमेशा प्रिंट में लिखेंगे, बस अगर एक ही को लिखना है बाकी का तो अपने ले लेता है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि फोर स्मॉलर देन थ्री, ठीक है, तो ये क्या है, ये है फॉल्स क्योंकि फोर ग्रेटर। यहाँ पर मैंने लिखा है फाइव स्मॉलर देन एट, ये ट्रू है, ठीक है, ये होगा ट्रू, तो उसको क्या शो करना चाहिए, ट्रू। अब यहाँ पर नॉट लगा दिया मैंने, वैल्यू को उल्टा कर देगा, तो ट्रू है तो क्या शो करेगा, फॉल्स। देखते हैं क्या है, बिल्कुल सही, लास्ट में देखिए फॉल्स शो कर देता है, यहाँ पर लास्ट में बिल्कुल फॉल्स। तो दोस्तों बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर इस वीडियो पे बहुत सारे व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो पैसा ही पैसा होगा। समझ रहे हो ना। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। इतने कम समय में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है, बाकी का प्रैक्टिस आपके हाथ में है। मैं आपको स्क्रीन पर लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में थोड़ा और जानकारी दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके बारे में ध्यान से पढ़ लीजिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।